तो दोस्तों अब चलते हैं मंदिर में सीधा और वीडियो में बिल्कुल बने रहे और गोपीनाथ जी का दर्शन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते देव ओवीएस वीर सिंह। आई होप गाइस आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो गाइस आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, यानी कि सेकेंड मंडे। तो आज हम गोपीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर नगर में गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो उस मंदिर के बारे में जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें। तो आज हम सभी लोगों का फास्ट है, तो हम वहाँ व्रत पूछने भी जाएंगे और मंदिर भी दिखाएंगे कैसा मंदिर है क्या है। तो गाइस आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब फटाफट हम रेडी होते हैं, नहाना धोना करते हैं, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। लव यू गाइस। गाइस आज की मौसम की बात की जाए तो दोस्तों मौसम देख सकते हो बिल्कुल ही सुहाना और बादल छा रखे हैं, कोहरे लग रखे हैं, धूप लग रखी है। देख सकते हो आप गोपेश्वर का मौसम का हाल। तो गाइस हो चुके हैं हम अब नहा धो के रेडी, अब चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। आप वीडियो में बने रहें, दिखाते हैं आपको मंदिर का तगड़ा वाला व्यू। तो अभी हमारे कैमरामैन रॉबिन भाई तो फटाफट गाइस फाइनली चल रहे हैं हम मंदिर की ओर। आप चलते हैं सीधा मंदिर की ओर, पहले जाएंगे आप कॉलेज होके इस रॉबिन भाई को छोड़ने, फिर ये मंदिर आएगा। तो आप वीडियो बिल्कुल बने रहें, लेट्स गो। तो गाइस ये है मंदिर मार्ग का गेट, यहाँ से गोपीनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। आप देख सकते हो दिन में और रात के समय पर यहाँ पर बहुत ही भयंकर रश हुए रहता है, पब्लिक की पब्लिक अभी मंदिर में देखने को मिलेंगे आपके पब्लिक के रिएक्शन। यहाँ पर छोटे छोटे कपड़ों की दुकान और ठेले, हमारे पानी पूरी आइसक्रीम वगैरह मिलती है। मिलते हैं ना आपको सीधा मंदिर में, एक बार व्यू चेक कीजिए दोस्तों गाइस। तो गाइस ये चेक कर सकते हो रुद्रनाथ का चित्रण, रुद्रनाथ जी का मंदिर। अब ये रहा दोस्तों, चेक कर सकते हो गोपीनाथ जी का मंदिर। ये दोस्तों यहाँ से आपको प्रसादी के लिए सामान उपलब्ध है मिलेंगे मंदिर के लिए। चेक कर सकते हो दोस्तों मंदिर का व्यू। देख सकते हो दोस्तों श्रद्धालुओं की भीड़। तो दोस्तों आप चलते हैं मंदिर में सीधा और वीडियो में बिल्कुल बने रहे और गोपीनाथ जी का दर्शन कीजिए। दोस्तों यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर शहर में यह मंदिर स्थित है और दोस्तों यह एक प्राचीन हिंदुओं का मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित
यह मंदिर एक भारत का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, यह गोपीनाथ मंदिर कचुरी शासक द्वारा 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया। दोस्तों, मंदिर के आसपास माँ दुर्गा, श्री गणेश और हनुमान जी के मंदिर भी स्थापित हैं। भव्य शिलाओं से बने हुए इस मंदिर का निर्माण और वास्तुकला का स्वरूप सभी को आकर्षित करता है। दोस्तों, यह त्रिशूल भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म करने के लिए यह त्रिशूल यहाँ पर गाड़ा था। उसी दिन से यह इस मंदिर की स्थापना हुई। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि कोई इस त्रिशूल को हिला नहीं सकता। जो सच्चा शिव भक्त हो, वही सिर्फ अपनी तर्जनी वाली अंगुली से छो करके इस त्रिशूल में कंपन पैदा होती है। और कितने पुराने सारी मूर्तियों का चित्रण भी किया गया है, आप देख सकते हो। मंदिर पंच केदार में से चौथे केदार के नंबर पर आता है। आपका पंच केदार पांचवा जो केदार है वह आपका रुद्रनाथ जी आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर की जानकारी दी गई है, आप देख सकते हो, आप इसे पढ़ भी सकते हो। अगर आपको मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप इस नोटिस बोर्ड को पढ़ सकते हो, मंदिर की जानकारी ले सकते हो। तो गाइस, ये रहा लोटा, अब जाएंगे इस पर जल लेने हम लिंग में चढ़ाने के लिए। तो गाइस, आ गए हम अपना फास्ट पूछ के और गोपीनाथ जी का दर्शन भी कराया आप लोगों को, जितना हो सके मैंने दिखाया। अंदर जाना ज़्यादा, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था मंदिर के अंदर। तो गाइस, आप चलते हैं फटाफट रूम पे। गाइस, एक बात, जो जो भी वहाँ अंदर पे वीडियो बनाता है उसको पहले 5,000 फाइन भरना पड़ेगा, फिर जाके आप वीडियो बना सकते हो।
चलते कमरे पे, लेट्स गो। तो गाइस अब करते हैं ब्रेकफास्ट, तो चलते हैं किचन में क्या क्या बन रखा है देखते हैं क्या क्या बना रखा है। इसमें दाल और चावल। तो गाइस मिलता हूँ मैं ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत। तो फाइनली हो चुका हमारा लंच भी। तो सो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दबा के, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए।